हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे हो। फिर से स्वागत है नया वीडियोस में। करीब एक डेढ़ महीना हो गया मैंने अपने चैनल में कोई वीडियोस नहीं डाला था, जस्ट ड्यू टू द सम पर्सनल रीजन, बट नाउ आई एम अगेन बैक। अब रेगुलरली मैं अपना वीडियोस डालना शुरू करूंगा अपना चैनल में। सिमिलरली आज एक नया टॉपिक लेकर आप सब लोगों के सामने आया हूं। आज का जो टॉपिक है वीडियोस का, बेसिकली आप अपना इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट कहां से बुक करोगे और कैसे आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि ये वीडियोस कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ मैंने जो मैंने नॉलेज गेन किया वहां से मैंने लेके आपको सब शेयर कर रहा हूं वो नॉलेज, सो दैट आप भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट आप ले सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स आप ले सकते हो। आप लोगों ने बहुत सारे लोग कमेंट्स किया कि सर अपने डोमेस्टिक फ्लाइट कहाँ से बुक करना चाहिए, कहाँ से मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, कहाँ से कूपन कोड मिलेगा, लेकिन व्हाट अबाउट द इंटरनेशनल बुकिंग। आज का जो वीडियो है स्पेशली मैं इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए बताऊंगा कि अगर आप इंडिया से कहीं और कंट्री के लिए अगर टिकट बुक करना चाहते हो कि कहां से आपको मिनिमम टू मिनिमम प्राइस दिखेगा। मैं आज कंपेयर करके दिखाऊंगा, एकदम सामने लाइव दिखाऊंगा कि कहां से आपको मिनिमम टू मिनिमम प्राइस दिखेगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ओके, अगर आप डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए अगर चेकआउट करना चाहते हो कि कैसे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, मैं आई बटन में वीडियोज़ का लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो, बिकॉज दिस वीडियोज इज ओनली स्पेशली फॉर द इंटरनेशनल। एक चीज़ आप सब लोगों को बोलना चाहता हूँ, आप लोग मेरे वीडियोज़ तो देखते हो लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वीडियोज़ देखने के बाद भी वो सब्सक्राइब नहीं करते। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे क्या होगा, मोटिवेशन मिलता है कि जितना ज़्यादा सब्सक्राइब होगा उतना अच्छा लगता है नए नए टॉपिक के ऊपर रिसर्च करके वीडियोस बनाने के लिए, सो दैट आप भी उस वीडियोस देख के कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखोगे और मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। राइट, चलिए वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। ओके, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर लिया और सबसे पहले मैं अपना इजी माई ट्रिप से दिखाता हूँ कि यहाँ के क्या प्राइस आ रहा है। कोई भी कंट्री में ले लेता हूँ, जैसे दिल्ली के लिए टोरंटो में ले लेता हूँ मैं, और मैं डेट इसका ले लेता हूँ 2nd of December। राइट, 2nd of December में देख लेता हूँ कि जो भी डायरेक्ट फ्लाइट है उसमें क्या प्राइस आ रहा है। राइट, नॉन स्टॉप देख लेता हूँ, यहाँ पे आ रहा है 150,000। ये आपके एयर इंडिया का जो फ्लाइट है ये 150,000 दिखा रहा है और ये डायरेक्ट फ्लाइट से, आप देख सकते हो। मैं आपको सेम फ्लाइट दूसरा साइड से दिखाऊंगा और लास्ट में बताऊंगा कि कहां से आपको बुक करना चाहिए, कितना डिस्काउंट मिल रहा है, वीडियोज़ को पूरा देखना। राइट, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे दिखा रहा है ये एक ऑप्शन सारा एंट्रेंस फी मतलब कन्वीनियंस फी इज जीरो, ये कूपन कोड ऑलरेडी अप्लाइड हो रखा है। इट मीन्स मैं जैसे इसको कंटिन्यू बुकिंग करूंगा मैं अपना सारे डिटेल्स डाल के, तो कोई और एडिशनल अमाउंट चार्ज नहीं करेगा इजी माई ट्रिप में। राइट, और कंटिन्यू बुकिंग करने के बाद मेरे को इतना ही प्राइस पड़ेगा, दैट इज 150,000 करीब, 150,522 रुपये। सो दिस इज ऑल अबाउट इजी माई ट्रिप। सेम फ्लाइट अगर मैं मेक माई ट्रिप में देखूंगा तो वहाँ कैसे सीन आता, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ दिल्ली और सेम टोरंटो। ओके, टोरंटो ये कनाडा में है, तो मैं ये वाला लेता हूँ YTO, आई होप यहाँ पे भी यही लिया होगा। जी हैं, टोरंटो ये वाला ले लिया होगा और दिसंबर में सेम डेट में लेना चाहता हूँ मैं, सो दैट मैं आपको एग्जैक्टली कंपेयर करके दिखा सकता हूँ कि कितना प्राइस का डिफरेंसेस आ रहा है। और यहाँ पे नॉन स्टॉप फ्लाइट एक ही आ रहा है, देखो ये वाला एयर इंडिया का प्राइस मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला एयर इंडिया, और मैं इसको बुक नाउ करता हूँ। जैसे ही बुक नाउ करूँगा कुछ ऑफर शायद मुझे दिखेगा, ये फ्लाइट नंबर A1187 और यहाँ पे भी कितना था, A1 Air India 187, सेम फ्लाइट नंबर, सेम टाइमिंग है, सब कुछ सेम है। इसमें अगर आप देखोगे कुछ फ्लाइट ऑप्शंस नीचे आपके दिख रहा है, ये जो यूज एंड सेफ 5000 का यहाँ पे डिस्काउंट दिख रहा है, सीधा सीधा 5000 का डिस्काउंट, लेकिन जैसे मैं पे करने जाऊंगा करीब 900-1000 रुपये इनका कन्वीनियंस चार्जेस ऐड होगा, तो इसका कॉस्ट मान के चलो 1,47,000। राइट, और इसमें था 1,50,000, मतलब 3000 का करीब डिस्काउंट है ये आपके मेक माई ट्रिप में। मैं जैसे इसको कंटिन्यू करूँगा बुकिंग करने के लिए, जैसे ये बुकिंग करने के लिए यहाँ पे जाऊँगा ना सारे डिटेल्स जाने के बाद, तो मेरे को 1,47,000, क्योंकि बाकी जो है दिस इज मैक्सिमम डिस्काउंट 5000। ओके, टर्म्स एंड कंडीशन देख लेना बट मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे 4513, तो यहाँ पे आपके 5000 मिल गया, तो इसका कॉस्ट मान के चलो 1,47,000। नेक्स्ट, और एक जो वेबसाइट से फ्लिपकार्ट, बहुत सारे लोगों को शायद ये पता नहीं कि फ्लिपकार्ट ट्रैवल बुकिंग भी शुरू कर चुके हैं काफ़ी दिनों से, डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल। सेम फ्लाइट मैं यहाँ पे चेक करके आपको बताऊँगा क्या प्राइस आ रहा है। राइट, न्यू दिल्ली से टोरंटो YTO, और इसका भी मैं 2nd December ले लिया मैंने। राइट, एक पैसेंजर्स का लूँगा मैं और सर्च करता हूँ मैं, सेम फ्लाइट चेक करूँगा नॉन स्टॉप के लिए, और दिस इज ऑल्सो एयर इंडिया, यहाँ पे आ रहा है 1,50,000, लेकिन मैं जैसे बुकिंग में क्लिक करूँगा पहले मैं आपको ये नंबर्स दिखा देता हूँ, एयर इंडिया 187,
और यहाँ पे भी एयर इंडिया 187, देखिए कहाँ है दिस इज 187, और यहाँ पे भी 188, इट मीन्स सेम फ्लाइट। जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं कन्वेंस फी ऑलरेडी अपना चार्जेस हो रखा है, तो इसका प्राइस आ रहा है 151,351। लेकिन यहाँ पे एक कमाल का चीज़ है डिस्काउंट, दैट इज दिस वन। जैसे ही क्लिक कर दूंगा मेरे को 10,000 का ऑटोमेटिकली कूपन डिस्काउंट मिल गया। जैसे 10,000 का डिस्काउंट मिल गया तो मेरा जो फाइनल प्राइस है 141,351। इसके अलावा आपको और भी एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट मिल सकता है। यहाँ पे जैसे जाओगे ना, 5% एडिशनल अनलिमिटेड कैशबैक ऑन फ्लिपकार्ट एक्सिस के बैंक क्रेडिट कार्ड, फ्लिपकार्ट का जो एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड आता है, अगर वो आपके पास है, एडिशनली और भी आपको 5% डिस्काउंट मिल जाएगा, दैट इज अराउंड 6-7,000 के आसपास, राइट। तो इट मीन्स आपको यहाँ पे पड़ रहा है 141,000, और मेक माई ट्रिप में पड़ रहा है 147,000, और इजी माई ट्रिप में पड़ रहा है आपके 150,000, करेक्ट। और यहाँ पे एक और एक बेनिफिट है, आपको कुछ बोनस पॉइंट्स भी मिलता है। ये कितना कूपन बोनस मिलेगा, करीब एक 1,000 में कुछ 100 या कुछ ऐसे कुछ मिलता है, तो ये एक बार चेक कर लेना, कुछ बेनिफिट्स आपको मिलता है। तो सब मिल के देखा जाएगा तो अभी तो फ्लिपकार्ट का बेनिफिट सबसे अच्छा है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इस और एक चीज़ है, आप जब पेमेंट करने जाओगे आपको फाइनल प्राइस इतना ही पड़ेगा, एक्स्ट्रा प्राइस कुछ नहीं लगेगा। जैसे आप कंटिन्यू करोगे, आप ट्रैवलर डिटेल्स वगैरह डालने के बाद आपको प्राइस पड़ेगा इतना, साफ साफ आपको दिख रहा है 10,000 का बेनिफिट्स है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कितना बुक किया फ्लिपकार्ट से। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा फ्लाइट बुक करने से पहले एक बार फ्लिपकार्ट के अंदर भी क्या प्राइस आ रहा है वो एक बार चेक कर लेना है। दैट कुड बी डोमेस्टिक, दैट कुड बी इंटरनेशनल, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाता है। और स्पेशली अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट करो तो ज़रूर चेक करना फ्लिपकार्ट का, बिकॉज मेरे को तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिला है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मेरा अकाउंट्स में कितने मेरे को बेनिफिट्स मिला है और मैंने कितना बुक किया। काफ़ी सारे मैंने बुक किया यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एक ऑर्डर में जाओगे, यहाँ पे है ट्रैवल बुकिंग। ट्रैवल बुकिंग में देखो कंप्लीटेड में चेक करूँगा तो मेरे को 3 ऑलरेडी मेरे को मिल चुके हैं, हैदराबाद से कुवैत, हैदराबाद से रियाद, विजयवाड़ा से मुस्कट, एंड अपकमिंग में और भी बहुत सारे हैं। ये जो मेरा कंफर्मेशन ऑलरेडी हो रखा है, दैट इज तिरुवनंतपुरम तो की भी एंड तिर न्यू दिल्ली तो क्यों, तो इसमें भी बहुत सारे प्राइस मेरे को डिस्काउंट मिल चुके हैं। तो आप चाहो तो एक बार फ्लिपकार्ट से ज़रूर एक बार ट्रैवल बुक करके देखना, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियोज़। बेसिकली मैं अगर वीडियोज़ को कंक्लूड करूँ इसी में कि मैंने 3 वेबसाइट के ऊपर मैंने आपको रिव्यूज़ दिखाया। फर्स्ट वन इज़ इजी माई ट्रिप, सेकेंड वन इज़ मेक माई ट्रिप, एंड थर्ड वन इज़ फ्लिपकार्ट। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स जो दिखा है दैट इज़ ऑन फ्लिपकार्ट। तो आप सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर जब भी आप कोई फ्लाइट बुक करोगे, दैट कुड बी इंटरनेशनल एंड दैट कुड बी डोमेस्टिक, एक बार फ्लिपकार्ट में जाके जरूर चेक कर लेना कि कितना प्राइस दिख रहा है। मे बी आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा, आपके बेनिफिट्स हो जाएगा और आपके थोड़ा बहुत पैसे सेव हो जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके अलावा अगर किसी और जानकारी के लिए भी अगर आपको वीडियोस चाहिए कमेंट करके बताओ, अच्छा लगेगा। और तो वीडियोस को यहीं तक रखते हैं, यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, सो दैट जब भी कोई मैं वीडियोज़ डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और उस वीडियोज़ को देख के आप कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नया वीडियोज़ में, तब तक स्टे हेल्थी एंड स्टे सेफ। नमस्ते।